हेलो दोस्तों रिकॉर्ड क्रिप्टोकरेंसी और ब्लॉक चेन रिलेटेड वीडियो में आपका स्वागत है और आज की वीडियो हम डिस्कस कर रहे हैं कि चार्ट पैटर्न्स हम कैसे ड्रॉ करेंगे अपने चार्ट के ऊपर तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने बिटकॉइन का यहाँ पे चार्ट खोल रखा है और यहाँ मैंने चार्ट पैटर्न ड्रॉ कर रखा है तो आप कैसे इन चार्ट पैटर्नस को ड्रॉ कर सकते हो और कैसे अपनी एक टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो क्योंकि आपके कई सारे यहाँ पे मैसेज आ रहे थे मेरे पास कि टेक्निकल एनालिसिस पे और वीडियोस बनाओ तो मैंने सोचा कि और ज़्यादा इस पर वीडियोस बनाते हैं और इस पर सिखाया जाए और टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट पैटर्न्स हैं वो एक ऐसी चीज है कि अगर आप उसको सीख लेते हो तो आप यहाँ पे मार्केट को प्रोडिक्ट करना सीख जाओगे कि मार्केट आने वाले टाइम में कहाँ जा सकती है और यहाँ पे 50 टू 60 परसेंट जो होते हैं आपके टेक्निकल एनालिसिस इंप्रूव हो जाएगी एक चार्ट पैटर्न ड्रॉ करने से इस वीडियो में हम सारी की सारी चीज़ें देखेंगे कि कैसे हम चार्ट पैटर्न ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर जाके हम सीख सकते हैं और भी चार्ट पैटर्न के बारे में तो ये भी मैं आपको डिस्कस करूँगा तो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि हम आपके लिए ऐसी कंटेंट लाते रहते हैं तो अगर आपको अच्छा लगता है टेक्निकल एनालिसिस या फिर कोई भी क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड वीडियो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और, और मेक श्योर यहां पे आप बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा देना ऑल कर देना जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन जो है वीडियोज की मिलती रहे ओके चलते हैं हम चार्ट पैटर्न के ऊपर समझते हैं चार्ट पैटर्न होता क्या है तो एक तरीके से टेक्निकल एनालिसिस होती है तो क्रिप्टो करेंसी में अगर आप काम कर रहे हो तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट रहती है एक फंडामेंटल एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस और सेंटिमेंट एनालिसिस लेकिन अभी इस वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें चार्ट पैटर्न्स आते हैं और ये एक तरीके से पैटर्न रहते हैं जो हमको प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट कहाँ जाएगा आने वाले टाइम में तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं एक तरीके से अगर आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो तो ये चार्ट पैटर्न आपको हेल्प करते हैं सपोर्ट रजिस्टेंस ढूंढने में और आपकी जो नेक्स्ट ट्रेड है उसको लेने में ठीक है तो आप समझते हैं कि आप चार्ट पैटर्न कैसे सीख सकते हो तो यहाँ पे हमारा एलिट क्रिप्टो टूल है तो ये फ्री में मैंने बनाया हुआ है अगर आपने रजिस्टर नहीं किया हुआ है एलिट क्रिप्टो टूल में तो आप मेक श्योर sure यहाँ पे अकाउंट बना लो बिल्कुल फ्री है और यहाँ पे जाके आप पूरी की पूरी टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो ठीक है तो यहाँ पर जाके मैं अभी लॉग कर लेता हूँ और लॉगिन करने के बाद यहाँ पर मैं अपना मेटा मास्क यूज़ कर लेता हूँ जिससे मैं जल्दी से लॉग कर सकूँ तो यहाँ पे जाने के बाद जैसे ही आप लॉग इन करोगे डैशबोर्ड में तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा कि लर्निंग के सेक्शन में जाना पड़ेगा और लर्निंग के सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको चार्ट पैटर्न चीट शीट मिलेगी तो यहाँ पे मैंने सारे के सारे चार्ट पैटर्न्स जो भी मेजरली यूज़ होते हैं वो मैंने यहाँ पर डाल रखे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारे के सारे चार्ट पैटर्न यहाँ पे हैं मिल जाएंगे आपको और अगर आप किसी भी एक चार्ट पैटर्न को क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा कि कैसे उसको ड्रॉ करना है ठीक है तो यहाँ पे क्विक शॉर्ट वीडियो भी मिल जाएगी आपको कैसे इस चार्ट पैटर्न को ड्रा करना है तो ये काफ़ी हेल्पफुल रिसोर्स है अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हो या फिर कोई भी चीज़ सीख रहे हो तो ये फ्री में टूल मैंने बनाया हुआ है तो मेक श्योर sure आप इसको जाके ज्वाइन ज़रूर करो और इसको यूज़ करो जिससे आपका जो भी लर्निंग है उसमें इंप्रूवमेंट हो और समझते हैं आप चार्ट पैटर्न कैसे ड्रॉ करेंगे तो अभी के लिए मैं अभी डिसेंडिंग ट्राइंगल के बारे में दिखाता हूँ क्योंकि अभी ये फॉर्म हो रहा है बिटकॉइन के अंदर तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि एक आ, चार्ट का कोई सॉफ्टवेयर ढूंढना पड़ेगा तो अभी के लिए मैं ट्रेडिंग व्यू में दिखाऊंगा आपको क्योंकि ट्रेडिंग व्यू काफ़ी यहाँ पे आसान है बताने में और आप हमारे एल क्रिप्टो टूल को भी यूज़ कर सकते हो मैंने यहाँ पे भी कई सारे यहाँ पे चार्ट्स के चीज़ें डाल रखी हैं आप देख सकते हो तो यहाँ पे भी आप चार्ट पैटर्न्स वगैरह ड्रॉ कर सकते हो कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी और यहाँ पे जाके आप ग्रिड व्यू में भी जा सकते हो तो ग्रिड व्यू एक नया फीचर हमने इंट्रोड्यूस किया था यहाँ पर जाके आपको मल्टीपल्स चार्ट यहाँ पर सेट कर सकते हो तो यहाँ पर अप टू सिक्स चार्ट्स यहाँ पर सेट कर सकते हो एक टाइम में ठीक है तो अभी वापस चलते हैं और समझते हैं कि चार्ट पैटर्नस हम कैसे ड्रा करेंगे तो वापस मैं लर्निंग में चले जाता हूँ और लर्निंग के बाद यहाँ पे चार्ट पैटर्न में चले जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद आप क्या करोगे कि अपना चार्ट पैटर्न ढूंढोगे कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है तो अभी मैं दिखा देता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ड्राइंग्स को क्लियर कर देता हूँ तो रिमूव ड्राइंग्स कर देता हूँ और इंडिकेटर भी यहाँ पे हाइड कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए ठीक है तो ये है बिटकॉइन का चार्ट और यहां पे आप देख सकते हो कि बिटकॉइन कुछ ना कुछ करता रहता है यहां ओके okay, तो सबसे पहले आप चार्ट के ऊपर आओगे जो भी आपके चार्ट होगा जैसे बिटकॉइन का भी मैंने खोल रखा है और सबसे पहले आपको टाइम टाइम फ्रेम यहां पे चूज करना पड़ेगा तो यहां पे आप वन आवर या फिर फोर आवर सेलेक्ट करोगे तो अगर आपको चेंज करना है तो आप सिंपली वन एच डाल दोगे कीबोर्ड में तो यहां पे वन आर यहां पे सेलेक्ट कर सकते हो या फिर फोर आर में सेलेक्ट कर सकते हो तो मेजरली जो भी चार्ट पैटर्न्स आप मेजर ऑल्ट से बनाते हो उसमें आप एक घंटा या फिर चार घंटे आप यूज़ करोगे अगर आप एक ऑल्ट कोइन में चार्ट पैटर्न ढूंढ रहे हो तो आप एक छोटे टाइम फ्रेम में भी बना सकते हो लाइक like 15 मिनट्स में या फिर 30 मिनट्स में भी चार्ट पैटर्न्स बना सकते हो तो ये छोटे जो ऑल्ट्स रहते हैं जो छोटे छोटे ऑल्ट्स रहते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है लेकिन अभी मैं बिटकॉइन के बारे में बात कर रहा हूँ तो बिटकॉइन में काफ़ी ज़्यादा हम चार्ट पैटर्न दिखाई देने को मिलते हैं तो अभी आप देख सकते हो कि एक यहाँ पे चार्ट पैटर्न बन रहा है और यहाँ पे कुछ ना कुछ हम चार्ट पैटर्न के इससे इंडिकेट कर सकते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा चार्ट पैटर्न यहाँ पे बन रहा है अगर आपको लगता है कि कोई और चार्ट पैटर्न बन रहा है तो आप वो भी यूज कर सकते हो लेकिन अभी मेरे को यहाँ पे डिसेंडिंग ट्राइंगल दिख रहा है और डिसेंडिंग ट्राइंगल में आपको दिखाए दूँ कैसा होता है तो डिसेंडिंग ट्राइंगल ऐसा होता है इंडिकेट करता है और यहाँ पे एक ट्राइंगल की तरह बनता है और इसको हम ड्रॉ करेंगे तो ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे आप लाइन टूल को सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे जाके आप लाइन टूल सेलेक्ट करने के बाद आप प्रॉपर्टीज यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो तो अभी सबसे पहले मैं ड्रॉ करूंगा और यहाँ से मैं इसको येलो कलर में कर लूंगा तो यहाँ से आप देख सकते हो हमको लोअर हाइज मिल रहे हैं मतलब कि जो ट्रेंड है जो हाई का ट्रेंड है वो नीचे की तरफ जा रहा है तो मैं ऐसे की ऐसे यहाँ पे ड्रॉ करूंगा और यहाँ पे एक तरीके से हमको सपोर्ट दिख रहा है क्योंकि आप देख सकते हो कि मल्टीपल पॉइंट्स में यहाँ पे टच किया है तो जब भी आप पैटर्न बनाओ आप मेक श्योर sure करो कि जो भी आप लाइन खींचो वहाँ पे आप मल्टीपल पॉइंट्स में पे टच करो ठीक है आप देख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट्स में यहाँ पे टच हो रहा है बिटकॉइन का और अपर में भी यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट्स में यहाँ पे टच कर रहा है ठीक है यहाँ पे एक दो पॉइंट्स ऊपर गए हैं उसको हम इग्नोर करेंगे और यहाँ पे क्योंकि ज़्यादातर पॉइंट्स यहाँ पे इसी पे टच हो रहे हैं तो मैं इसको ही कंसिडर करूँगा और आप इसको यहाँ से भी ले सकते हो ऐसे करके भी ले सकते हो ठीक है तो मेजरली यहाँ पे अभी एक और पैटर्न बनाता हूँ तो मैंने इस वाले लाइन को थोड़ा नीचे यहाँ पे कर दिया है ठीक है तो यहाँ पे डिसेंडिंग ट्राएंगल बन गया है और डिसेंडिंग ट्राएंगल का आप देख सकते हो कि मेजरली नीचे ही जाता है एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी आप पैटर्न बनाओगे उसका हंड्रेड मतलब ये नहीं होता कि वो पैटर्न वो ही करेक्ट ही जाएगा मेजरली केस में हमने ये देखा है कि जो भी पैटर्न बनते हैं वो उसी ट्रेंड को फॉलो करते हैं जैसे डिसेंडिंग ट्रायंगल है वो नीचे की तरफ ही फॉलो करता है लेकिन कुछ यहाँ पे चांसेस होते हैं टेन टू ट्वेंटी परसेंट कि यहाँ पे जो ट्रेंड है ऊपर की तरफ भी तोड़ दे ठीक है और कैसे हमको यहाँ पे ट्रेड लेनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा ठीक है तो अब आप देख सकते हो कि ट्रेंड जो है हमारा नीचे की तरफ जा रहा है और यहाँ पे हम प्रिडिक्ट करेंगे कि कहाँ तक टारगेट जा सकता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी ट्राइंगल होता है उसका यहाँ पे पैटर्न लेते हैं स्टार्टिंग से और उसको हम प्रिडिक्ट करते हैं नीचे की तरफ ठीक है तो आप देख सकते हो कि बिटकॉइन का जो टारगेट आ रहा है वो अराउंड फोर्टी एट थाउजेंड डॉलर के अराउंड यहाँ पे आ रहा है इसका मतलब कि फोर्टी एट थाउजेंड तक यहाँ पे हमको एम करने को मिल रहा है बिटकॉइन का प्राइस तो ऐसे आप एम करोगे कि यहाँ नीचे तक यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस जा सकता है ओके तो अब नेक्स्ट समझते हैं कि क्या इसके बीच में कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस आ रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि और छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे फोर आवर में जाएंगे और फोर आवर में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिछला बिटकॉइन का कई सारे यहाँ पे पॉइंट्स मिले थे और मेजरली आप अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक पॉइंट है जो फिफ्टी थाउजेंड के अराउंड बनेगा आपको ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिफ्टी थाउजेंड के अराउंड एक जोन बनेगा तो इसको मैं इंडिकेट कर देता हूँ आप ऑल्ट प्लस एच दबाओगे जिससे एक हॉरिजोनटल लाइन बन जाए तो यहाँ से आप देख सकते हो कि एक जोन बन रहा है इसके फिफ्टी के अराउंड जहाँ पर हमको मल्टीपल जहाँ पे पॉइंट टच करने को मिलेंगे तो आप देख सकते हो कि इस जोन में एक अच्छा यहाँ पे सपोर्ट हम देख सकते हैं थोड़ा सा नीचे कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक यहाँ पे पॉइंट टच हुआ है और यहाँ पे मल्टीपल्स पॉइंट यहाँ पे टच हुए हैं इसका मतलब यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट हमको मिल सकता है फिफ्टी थाउजेंड के अराउंड और बिटकॉइन अगर यहाँ से नीचे जाता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 50,000 पहला यहाँ पे सपोर्ट बनेगा और उसको तोड़ता है तो नेक्स्ट हमारा सपोर्ट यहाँ पे बनेगा एक और आता है कि अगर आप फिबोनाचिस यूज़ कर सकते हो फेबोनाचिस से अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढ सकते हो लेकिन उसके बारे में मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताना ठीक है तो ऐसे करके आप प्रिडिक्ट करोगे कि कहाँ पर आपका सपोर्ट बन रहा है और कहाँ पर आपका रजिस्टेंस बन रहा है अब रजिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं तो बिटकॉइन अगर यहाँ से बाउंस करता है तो कहाँ तक जा सकता है तो अगर यहाँ से बिटकॉइन अगर वापस जाता है बाउंस करता है तो अगर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ से बाउंस करके से इस वाली रेजिस्टेंस पर टच कर सकता है ठीक है तो ये हमारी पहली रेजिस्टेंस हो गई पे ये टच कर सकता है और वापस रिट्रेस कर सकता है तो इसको हम कहते हैं है रेजिस्टेंस बन चुकी है ठीक है तो यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की तरफ हम जाते देख सकते हैं विच इज टेन टू ट्वेंटी परसेंट जो मैंने आपको बताया था कि टेन टू ट्वेंटी परसेंट ऊपर की तरफ भी ट्रेंड जा सकता है तो इसका भी आप ध्यान रखना ठीक है ना समझते हैं कि आप इन ट्रेड्स को कैसे ले सकते हो तो अगर आप को ट्रेडिंग नहीं आती या फिर आपको डाउट है तो आप हमारी वीडियोस जाके देख सकते हो तो मैंने बायनेंस के ऊपर बना रखी है पूरी ट्यूटोरियल वीडियो बना रखी है कि कैसे आप ट्रेडिंग कर सकते हो और मैंने वजीरक्स के ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है आप जाओगे तो यहाँ पर आपको वजीरक्स की वीडियो मिल जाएगी और बायनेंस की भी वीडियो मिल जाएगी ठीक है तो आपको वीडियोज़ में जाकर हमारे चैनल पर जाके वीडियो सेक्शन में आपको दोनों वीडियोज मिल जाएंगी और आप इन दोनों को वीडियो को जाके देख सकते हो कि कैसे हमको ट्रेड लेनी है ठीक है तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे यहाँ पर आपको पैटर्न ड्रॉ करना है अगर आपको कोई और पैटर्न मिलता है जैसे आप इथेरियम में जाते हो तो इथेरियम में कुछ और पैटर्न मिल सकता है आप देख सकते हो एक और मैं आपको पैटर्न दिखाता हूँ यहाँ पे जो बना था और इस पैटर्न का नाम है डबल बॉटम पैटर्न तो अगर अब मैं पीछे जाता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ तो आप देख सकते हो कि डबल बॉटम पैटर्न क्या होता है और डबल बॉटम पैटर्न में एक डबल बॉटम यहाँ पे बनता है और जो हमारा टारगेट रहता है वो इस जो है इन दोनों लाइन्स के बीच में जो बनता है उससे हम टारगेट निकालते हैं ठीक है ठीके? तो मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे हम इसको यूज़ करेंगे तो परफेक्टली यहाँ पे इथेरी में बना था तो इसको एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे जिससे आपको और क्लियर हो जाए तो मैं यहाँ पहली जो ड्राइंग्स है इनको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक पैटर्न बन रहा है जिसको हम कह सकते हैं डबल बॉटम अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं आपको दिखा देता हूँ तो ये दो लाइन्स हैं और यहाँ से आप देख सकते हो कि ये डबल बॉटम यहाँ पर हुआ है ठीक है ये डबल बॉटम ये हुआ है तो इन पैटर्न्स को आप आसानी से देख सकते हो तो थोड़ा बहुत ही आप यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस अपनी करते रहोगे उससे आपको दिखाई देने को मिल जाएगा और यहाँ पे आप टारगेट देख सकते हो कि ये टारगेट कहाँ तक गया है और इजीली यहाँ पे टारगेट जो है अचीव हो गया है हमारा डबल बॉटम के बाद आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ से इसका जो है इसका ये ड्रा किया और इसको शिफ्ट करके मैंने ऊपर कर दिया और आप देख सकते हो कि इजीली अगर यहाँ पे आपने बाय किया होगा इथेरियम को तो इजीली आपको प्रॉफिट अच्छा खासा यहाँ पर मिला होगा अगर आप फ्यूचर स्टेड कर रहे हो तो ईजिली यहाँ पे आपको लेवरेज ट्रेड में अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट मिला होगा तो ऐसे आप चार्ट पैटर्न्स को ड्रॉ कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो चार्ट पैटर्न्स को और आप देख सकते हो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है हमारा एक रेजिस्टेंस बन रहा था तो यहाँ पे इससे पहले ही अगर आप क्लोज कर दो अपनी ट्रेड तो ज़्यादा अच्छा है और अगर आप जैसी यहाँ पर ओपन करते हो तो मेक श्योर sure एक स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखो और स्टॉप लॉस हो सकता है कि फ़ाइव टू टेन अपना नीचे लगा के रखो क्योंकि होता क्या है कई बार मार्केट उल्टी तरफ चली जाती है और आपका स्टॉप लॉस एक अच्छा ज़रिया है आपको बचाने के लिए तो अगर आपको स्टॉप लॉस भी समझना है तो मैंने इस वीडियो में बाइनेंस की वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप स्टॉप लॉस वगैरह अपना सेट कर सकते हो तो मेक श्योर sure इनको ज़रूर चेकआउट करो वीडियोज़ मैंने आपके लिए बहुत मेहनत से बनाई है तो आपको ये डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी ठीक है तो मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में कैसे आप चार्ट पैटर्न ड्रॉ कर सकते हो और कैसे आप एक यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो और अगर आप ये सीख जाते हो तो आपका ऑलमोस्ट सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट आप टेक्निकल एनालिसिस सीख जाओगे बाकी कुछ भी नहीं रहता थोड़ी बहुत चीज़ें रहती हैं बट चार्ट पैटर्न्स अगर आप देखने सीख गए तो आपका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लर्निंग स्किल्स इंप्रूव होगी चार्ट पैटर्न्स को देखने में और सीखने में और प्रिडिक्ट करने में मार्केट कि कहाँ जा रहा है ठीक है तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप जो है पंप और डम्प कॉइन से थोड़ा बच के रहो अपनी टेक्निकल एनालिसिस थोड़ी स्ट्रॉन्ग करो जिससे आपका जो भी पैटर्न रहता है जो भी चार्ट पैटर्न्स की रीडिंग रहती है वो थोड़ी इंप्रूव हो और यहाँ पे आप एक लर्निंग करके आप स्किल्स जनरेट करो और उसके बाद एक अर्निंग करो तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है एक पंप या डंप कॉइन में अगर कोई इन्फ्लुएंसर या टिकटॉक वगैरह पे कोई वीडियो अगर वायरल हो रही है उससे अगर पंप हो रहा है वो एक बहुत ही ज़्यादा रिस्की फैक्टर रहता है लेकिन उसके लिए भी मैं एक ट्रिक निकाल रहा हूँ तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आने वाली है वो डॉगी कॉइन के ऊपर आने वाली है क्योंकि डॉगी कॉइन पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ट्रेंडिंग चल रही है तो मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊँगा डॉगी कॉइन के ऊपर कि कैसे आप उस डॉगी कॉइन को ट्रेड कर सकते हो तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप मेक श्योर sure इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि आपको वो वीडियो चाहिए नीचे कि कैसे हम डॉगी कॉइन में ट्रेड कर सकते हैं और विदाउट लूज़ मिनिमम लूज़ किए हुए कैसे हम एक अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं डॉगी कॉइन के अंदर तो नेक्स्ट वीडियो में वो लाने वाला हूँ क्योंकि इसके ऊपर मैं कई सारी चीज़ें और भी काम कर रहा हूँ एक बॉट के ऊपर भी काम कर रहा हूँ तो अब कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी अगर आपको और भी वीडियोज़ देखनी हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना और कमेंट ज़रूर मैं बताना कि कैसे आपको ये वीडियोज़ लगती हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर तो मैं और भी ऐसी वीडियोज़ बनाऊंगा क्योंकि आप अगर कमेंट करोगे लाइक करोगे उससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और भी वीडियोज़ बनाने का सपोर्ट मिलेगा ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम टिल देन गुड बाय